भारत जोड़ो यात्रा एक विचारधारा है और एक सिंबल है, और जो बीजेपी की विचारधारा है उसके खिलाफ क्लैरिटी से एक दूसरी विचारधारा रखने का तरीका है। रास्ता लंबा है, बीजेपी से लड़ना, जो इंस्टीट्यूशनल कैप्चर इन्होंने किया है उससे लड़ना 2 मिनट का काम नहीं है, मगर भारत जोड़ो यात्रा एक बहुत अच्छा कदम है। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरफा खानम शेरवानी। 2022 खत्म हो रहा है और 2024 के लोकसभा चुनाव की जो पूरी आहट नहीं बल्कि मैं कहूंगी घंटियां बज रही हैं। एक तरह से पूरी तरीके से देखा जाए तो सत्ता पक्ष और विपक्ष इस चुनाव के लिए तैयार हो रहे हैं, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से एक ऐसा कदम जिसको इतना क्रांतिकारी कदम बताया जा रहा था कि भारत के इतिहास में शायद कभी इतनी लंबी यात्रा किसी भी नेता ने, राजनेता ने नहीं की होगी जो राहुल गांधी कर रहे हैं, उसको हम देख रहे हैं कि मुख्य धारा की जो मीडिया है उससे पूरी तरीके से लगभग ब्लैकआउट किया जा रहा है, सिवाय उन दिनों के जहां पर कोई विवाद फैलाना है राहुल गांधी की यात्रा को लेकर। तो सीधे तौर पर इस यात्रा जो अब 2 महीने गुजर जाने के बाद धीरे धीरे जो नॉर्थ इंडिया, जो उत्तर भारत है वहां एंटर होगी, और वहां पर उसका एक, मैं कहूंगी, एक असली इम्तिहान होगा, क्योंकि अभी तक चाहे हम केरल का जिक्र करें, कर्नाटक का जिक्र करें, हम आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का जिक्र करें, अभी इन तमाम इलाकों में जाहिर है कांग्रेस पार्टी को एक तरह से विपक्ष का सामना तो करना पड़ता है, लेकिन जो बहुसंख्यकवाद और साथ साथ जो हिंदुत्व की राजनीति है उसका असली रंग इन राज्यों में देखने को मिलेगा जहां राहुल गांधी अब दाखिल होंगे। महाराष्ट्र से लेकर, मध्य प्रदेश से लेकर, उत्तर प्रदेश में भी थोड़े दिनों के लिए वो आएंगे, कुछ घंटों के लिए, इसके बाद भी हरियाणा, पंजाब से होते हुए कश्मीर तक अपनी पूरी यात्रा 150 दिन की वो पूरी करेंगे, जिसमें से 2 महीने वो पूरे कर चुके हैं। तो अब मैं आपसे चाहती हूं कि इसी यात्रा के दौरान पहले राहुल गांधी का ये बयान आप सुने, जिस पर उनके बहुत सारे बयानों में इस एक बयान पर खासकर मेरी नजर गई, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। One way of looking at the BJP that it is a political organization. That's a rather superficial way of looking at the BJP. BJP is actually an emotion, and that emotion at a superficial level is hatred. But if you scratch a little bit, it is actually fear. They're actually scared. Congress party, it is the opposite of fear. What is the opposite of fear? Is the confrontation of your own fear. The moment the Congress party starts to spread this idea of confront your fear, naturally the BJP will start to collapse. Of course, there is an element of institutional capture which they have done, which the united opposition will reverse, and it's important that people who have played a role in this institutional capture, they realize that you cannot get away with this scot-free, that there is a cost involved in capturing the institutions of this country and trying to destroy the institutions in this country, and you will pay that price. तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाजपा कोई राजनीतिक दल नहीं है, कोई भी मामूली राजनीतिक दल नहीं है, वो एक भावना है, इट इज एन इमोशन, इमोशन ऑफ हेट्रेड, इमोशन ऑफ फियर, यानी कि पूरे तरीके से वो नफरत और डर की एक भावना है। बहुत बड़ा बयान है आज की तारीख में, जब ये माना जाए कि जो एक ही राष्ट्रीय भावना, एक नेशनल सेंटिमेंट जिसे हम कहें देश में उभर रहा है, वो है बहुसंख्यकवाद का, वो है हिंदुत्व का। ऐसे में बिल्कुल जैसे मैं कहूंगी बैल को उसके सींग से पकड़ लेने जैसा ये बयान है कि किसी भी कंफ्यूजन को, कोई भी असमंजस नहीं है कि वो ये कह रहे हैं कि वो हिंदुत्व की, बहुसंख्यकवाद की, जो जो मुस्लिम विरोधी, ईसाई विरोधी, किसान मजदूर विरोधी जो आज राजनीति है, बल्कि साफ शब्दों में कहूं जो मुस्लिम विरोधी राजनीति का जो बदसूरत चेहरा हमने 8 साल में देखा है, उसका मुकाबला करेगी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि उसी एक ही सांस में वो ये भी कह रहे हैं कि नफरत की भावना कह रहे हैं और साथ साथ कह रहे हैं कि उसको जो लड़ने वाली पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है, यानी हिंदुत्व के काट के तौर पर सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति नहीं करेंगे, वो सॉफ्ट सेक्युलरिज्म की राजनीति भी नहीं करेंगे, बल्कि हार्ड सेक्युलरिज्म उनके पिछले 60 दिनों में लगातार हमें देखने को मिला है। इसका मतलब क्या है? राहुल गांधी जब सड़क पर आ गए हैं, और मैं सोच रही थी कि 150 दिन नहीं बल्कि 15 दिन, या मैं कहूंगी इसका भी और मिला लीजिए आप आगे 2 दिन भी, अगर नरेंद्र मोदी ने इस तरह की यात्रा की होती जहां पे वो 25 किलोमीटर रोज नहीं बल्कि 2.5 किलोमीटर भी चले होते पैदल, तो आप ये सोचिए कि जो मीडिया का पूरा कारवां है,
जो सैकड़ों हजारों जो कैमरे हैं वो किस तरीके से आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि देश में इससे बड़ा महात्मा, इससे बड़ा मसीहा भारत के इतिहास में कभी पैदा नहीं हुआ। और वही राहुल गांधी की यात्रा को अगर हम कहें क्षेत्रीय मीडिया, उसका तो मिल रहा है, मैं कहूंगी कवरेज मिल रहा है, जो कि ये इसको कहीं सहयोग भी नहीं कहना चाहिए, ये एक फर्ज है, धर्म है पत्रकारों का कि अगर कोई इतना बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है देश में, जो राजनीतिक के अलावा सामाजिक भी है, पिछले 8 साल में हमने देखा है कि किस तरीके से जो भारत का जो सीना है, जो धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र है हमारा, उदारवादी लोकतंत्र है, संविधान है, उसको छलनी करने की जो पूरी कोशिशें हुई हैं और जख्मी हुआ है भारत, भारत का दामन तार तार हुआ है, उसको एक तरह से सीने की, एक तरह से मरहम लगाने की राहुल गांधी जो कोशिश कर रहे हैं, उसको ब्लैकआउट करना, किस तरह के अपराधों में इसको गिना जाएगा, ये भी आप खुद ही फैसला कीजिए। मैं आगे बढ़ती हूँ चर्चा में और ये जानने की कोशिश करती हूँ कि जिसको कहा जा रहा है कि जो असली टेस्ट है, असली इम्तिहान है राहुल गांधी का, कांग्रेस पार्टी का, विपक्ष की ताकत का, वो अब शुरू हुआ है। मेरे साथ अजोय आशीर्वाद, मेरे सहयोगी मौजूद हैं, तमाम राजनीतिक घटनाक्रम पे वो नजर रखते हैं, कांग्रेस पार्टी पे भी उनकी नजर रखती है रहती है और साथ ही वायर पर उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, एस भारत जोड़ो यात्रा एंटर्स नॉर्थ इंडिया, द रियल चैलेंजेस लाइज इन अहेड फॉर कांग्रेस। उन्होंने कहा है कि असली जो चुनौती है वो अब पैदा होती है। अजय, ये आप क्यों कह रहे हैं कि असली चुनौती अब पैदा होती है, चाहे हम केरल का जिक्र कर लें, हम कर्नाटक का जिक्र करें, आंध्र प्रदेश का जिक्र करें, तेलंगाना का जिक्र करें, कांग्रेस पार्टी की तो कहीं भी सरकार नहीं है। जी हाँ, कहीं पर है नहीं उनकी सरकार, मगर कांग्रेस का एक अच्छा खासा ऑर्गेनाइजेशन वहां पर काम करता रहा है, और तमिलनाडु का भी अगर आप रख ले तो वहां पे वो डीएमके, अगर पूरे यूपीए में अगर जो दो सबसे ज्यादा बड़े कांग्रेस के समर्थक हैं वो डीएमके और राष्ट्रीय जनता दल है, और वहां पर लगातार जो स्टालिन है वो लगातार भारत जोड़ो यात्रा में आते रहे और उसको स्ट्रेंथ देते रहे। केरल में वो सरकार में नहीं है, मगर लगातार कांग्रेस एक डिसिप्लिन फोर्स की तरीके से, एक ऑपोजिशन के फोर्स की तरीके से अपना अपनी ऊर्जा दिखाती रही है, और कर्नाटका अगले साल पोल बाउंड है और वहां पर भी उनका ऑर्गेनाइजेशन है, और यहाँ यहाँ पर यहाँ पे जो कांग्रेस के भी जो विपक्ष के ऑपोजिशन है वहां पर, कहीं पर भी सरकार नहीं भी है तो उनके जो राइवल्स है वो हिंदुत्व की राजनीति ज्यादा नहीं करते। कर्नाटका को भी छोड़ दिया जाएगा तो कर्नाटका में भी बीजेपी जो है पूरी तरीके से हिंदुत्व पे अपना अपना राजनीति खड़ा नहीं करती है, उनके पास और बहुत सारे इश्यूज हैं, वहां पे लिंगायत राजनीति होती है, लेकिन वो इसीलिए ये जहां महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में जब वो आएगी यहाँ पर बीजेपी पूरी तरीके से एक हिंदुत्व की राजनीति में अपना कैंपेन खड़ा करती है और एक मेजोरिटेरियन राजनीति की तरफ वो बढ़ती चली जाती है यहाँ पर, इसीलिए और राहुल गांधी जो लगातार ये एक मल्टी कल्चरल और ये डाइवर्स इंडिया की बातें कर रहे हैं, उनका उस थियोरी, उस आइडियोलॉजी का सबसे बड़ा चैलेंज उनको नॉर्थ इंडिया में मिलेगा। और इसी की वजह से हाँ, आप ये नहीं कहा कि ये चैलेंज मिलेगा, सब बात आपने रखी है। मुझे बताइए कि पिछले 2 महीने का हासिल क्या है राहुल गांधी का। मैं कुछ दिनों पहले उनका बयान सुन रही थी कि घुटने में तकलीफ है, मैंने पढ़ा कि फिजियोथेरेपिस्ट सुबह 5 बजे आता है, उनको एक्सरसाइजेस कराता है, उसके बाद वो निकल जाते हैं, किस वक्त वो उठते होंगे, किस वक्त वो सोते होंगे, कंटेनर्स में जीवन गुजारे, और एक ऐसा व्यक्ति जिसको कहा जाता है कि वो राजकुमार है, वो एक ऐसा व्यक्ति जिसने शायद अपनी जिंदगी में कोई मुश्किल तो नहीं देखी होगी, इस तरह की मुश्किलें जो आम भारतीयों को सहनी पड़ती, एक ऐसा व्यक्ति जो कि एक पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, एक ऐसा व्यक्ति जो रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है, एक ऐसा राजकुमार जिसका ताज लेकर इंतजार हो रहा है लेकिन वो ताज पहनने को तैयार नहीं है, ऐसा व्यक्ति अपने को खुद फिजिकल तकलीफ, शारीरिक अपने को तकलीफ दे रहा है क्योंकि वो एक ऐसे मिशन पर निकल पड़ा है। राहुल गांधी को जब भी मैं बात करते हुए देखती हूँ, पिछले शायद 2 महीने में जितनी बार भी मैंने सुना, जो उनकी विचारधारा के स्तर पर जिस साफगोई के साथ वो पेश आ रहे हैं, बिल्कुल आईने की तरह साफ है कि वो क्या करना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी में जो उनके बाकी साथी हैं उनके अंदर ये विचारधारा के स्तर पर वो समर्पण है या नहीं, वो कमिटमेंट है, वो प्रतिबद्धता है या नहीं, लेकिन राहुल गांधी में कम से कम वो दिख रही है। लेकिन ये तो एक तरफ बात रही कि आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है, विचारधारा के स्तर पर प्रतिबद्धता है, इसका चुनावी और सियासी हासिल 2 महीने का क्या है? आरफा, चुनावी शुरू से ही जब से ये भारत जोड़ो पदयात्रा स्टार्ट हुई है तब से कांग्रेस के सारे नेता ये कह रहे हैं कि ये इसका, इस यात्रा का मकसद सिर्फ चुनावी बेनिफिट लेना नहीं है, मगर
एक भारत को जोड़ने की ये प्रथा, ये जो कांग्रेस की हमेशा भारत की को जोड़ने की एक का एक प्रयास है, और जो कि कांग्रेस के हिसाब कांग्रेस की मानी जाए तो एक भारत जो है ये पूरी तरीके से अब जख्मी हो चुका है कम्युनल पोलराइजेशन की वजह से, क्रोनी कैपिटलिज्म की वजह से। अलग अलग सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन हुए, दलित हुए, फार्मर्स, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और यूथ, जिनको ये इनको एक साथ जोड़कर एक एक तरीके से एक यूनिफाइंग यूनिफाई एकत्रित करकर एक एक एकता का मैसेज दे रहे हैं कि हाँ भारत एक एक डाइवर्स नेशन है, यहाँ अलग अलग परंपराएं हैं, यहाँ अलग अलग ट्रेडिशंस है, लेकिन फिर भी हम भारत एक रहता है। और ये सीधा सीधा जवाब एक तरीके से वो बीजेपी को देना चाहते हैं कांग्रेस की, जो कल जब मेरी एक कांग्रेस वर्कर से बात हो रही थी तो उनका भी यही था कि भारत जोड़ो एक तरीके से एक आंसर है, एक रिस्पॉन्स है, रिएक्शन है, जो एक बीजेपी के जैसे पार्टीज की जो कि ये विश्वास रखते हैं कि चुनाव सिर्फ एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी से लड़ाकर किया जा सकता है, एक एक तरीके से जो लोगों के अंदर बिखराव लाकर किया जा सकता है और जोड़कर नहीं किया जा सकता है। इसीलिए कांग्रेस जो है वो बीजेपी के सामने एक कॉन्ट्रास्टिंग पॉलिटिक्स रख रही है। अभी तक क्या क्या हो, तीन चार चीजें मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक का क्या पूरी तरीके से टेक अवेज, अगर हम बात करें कि दो महीने में क्या टेक अवेज है। पहला ये है कि राहुल गांधी जो है, जिनको लगातार उनके क्रिटिक्स लगातार कहते रहते हैं कि ये छुट्टी पे चले जाते हैं या फिर ये बॉर्न विथ सिल्वर स्पून है, मतलब रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है, इनको तो जबरदस्ती भेज दिया गया है, उसको किसी तरीके से उसको राहुल गांधी ने इस इंप्रेशन को चैलेंज करने की कोशिश की है। लगातार 25 किलोमीटर हर रोज चल रहे हैं, 600-700 किलोमीटर से ऊपर वो ऑलरेडी चल चुके हैं। एक दिन भी वो, मतलब अगर अभी बस एक ही दिन वो दिल्ली आए जब मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ वहाँ चुनाव जीते थे कांग्रेस प्रेसिडेंट का, उनको फेलिसिटेट करने के लिए आए, बाकी वो पूरे दिन उसी कंटेनर में रह रहे हैं और लगातार चल रहे हैं, और एक ही मैसेज ये दे रहे खुद, और 25-25 किलोमीटर वो तो डेली चल रहे हैं। आपने खुद ही कहा कि मतलब वो उसकी बातें मीडिया में नहीं हो रही हैं। हम मुझे याद आ रहा है कि नरेंद्र मोदी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी उनका शव जब लेकर जाया जा रहा था क्रियाक्रम के लिए, तो वो 3-4 किलोमीटर उनके साथ चले थे, तो सारा नेशनल मीडिया वो 2 घंटे वो चल के जा रहे हैं उनके साथ ये दिखा रहा था। यहाँ पर एक नेता कश्मीर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने का एक प्रयास कर रहा है, और उसमें अभी तक हमने मुख्यधारा की मीडिया जो है वो ज्यादा नहीं देख रहा। कुछ है वैसे उनको भारत जोड़ो यात्रा को रीजनल डेलीज में कन्नड़ा मीडिया हो या मलयालम मीडिया हो, तमिल मीडिया हो या तेलुगु मीडिया हो, उनमें काफी भारत जोड़ो यात्रा का कवरेज है, लेकिन जो नेशनल मीडिया है मेरे हिसाब से उसको किसी तरीके से एक इग्नोर कर रहा है। मैं जल्दी से दो सवाल आपसे पूछती हूँ। जी हाँ, एक सवाल तो मेरा आपसे ये है कि जब आप ये कह रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया में चैलेंज होगा, जो ये अब हमें तो रूट भी थोड़ा समझाइए आपके, अब कहाँ कहाँ राहुल गांधी जाएंगे, उसका चुनावी जो मतलब है, मायने है, वो क्या है। इस रूट को चुनने के पीछे एक बड़ी आलोचना ये भी हो रही थी कि जहां असली दुश्मन है, जहां राजनीतिक प्रतिद्वंदी बैठे हुए हैं, वहां से तो एक तरह से किनारा करके दामन बचा के निकल गए राहुल गांधी। या अभी जैसे वो महाराष्ट्र में आएंगे 7 नवंबर को तेलंगाना से, और वहां पर उनके अभी तो बीजेपी और उनके उनके साथ सीधी टक्कर है अभी। ये जहां पर वो नंदेद में आएंगे, वो नंदेद वहां पे बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड भी माना जाता है, तो वहां पर लगातार हिंदू बीजेपी अब ये चाहेगी कि मध्य प्रदेश अगले साल वहां चुनाव होने हैं, और वहां पर बीजेपी ये चाहेगी कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा का जो ऑप्टिक्स है, पॉलिटिकल ऑप्टिक्स, जहां पर लोग एकत्रित हो रहे हैं राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, उसको किसी तरीके से डिफीट किया जाए। आने वाले दिनों में जब December 8 को गुजरात और हिमाचल के रिजल्ट्स आएंगे, और वहां अगर कांग्रेस अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाती है, रिस्पेक्टेबल अगर मतलब हार भी अगर गई अगर, लेकिन अगर एक रिस्पेक्टेबल परफॉर्मेंस नहीं दे पाती है, तो बीजेपी का पूरा प्रयास रहेगा कि ये भारत जोड़ो यात्रा जो है वो एक ऐसे ही असफल प्रयास है, और उसका कोई अट्रैक्शन नहीं है लोगों के बीच में।
तो लेकिन अजय इसके अलावा जी, इसके अलावा जो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है वो ये कि इस पूरे हमने, मैंने जैसे कहा कि बिल्कुल दर्पण की तरह, एक आईने की तरह जो उनकी क्लियर एक एक विचारधारा के स्तर पर जो दिशा नजर आ रही है, जो बहुत ही मुश्किल है किसी भी, मैं ये नहीं कहती सिर्फ राहुल गांधी के लिए बल्कि किसी भी विपक्ष की राजनीति करने वाले व्यक्ति के लिए ऐसे वक्त में, जो कि हिंदुत्व को ही एक तरह से अकेला प्रतिनिधि बताया जा रहा है भारत के राजनीतिक मानचित्र पर, आम आदमी पार्टी को आप देख लें, दूसरी पार्टियों को देखें, किसके अंदर भी वो दम नहीं बचा है अभी विचारधारा के स्तर पर, वो कोई वही कोई सफाई नहीं है उनके अंदर कि वो उसको उसको एड्रेस कर सके। ऐसे में राहुल गांधी का सीधे तौर पर भाजपा आरएसएस की मुस्लिम विरोधी, संविधान विरोधी, धर्मनिरपेक्षता विरोधी राजनीति को काउंटर करने का, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ चुनावी नफा नुकसान क्या है? चुनावी नफा नुकसान वो तो 2024 में पता चलेगा, अभी असेंबली इलेक्शंस में तो गुजरात और हिमाचल प्रदेश के जो होने वाले हैं वहां पर तो ये यात्रा जा भी नहीं रही है। आप कांग्रेस के वर्कर्स से अगर पूछेंगे तो वो चुनावी तरीके से ही सिर्फ भारत जोड़ को नहीं देख रहे हैं, ये एक तरीके से 2024 में एक कांग्रेस एक ऊर्जावान ऑपोजिशन फोर्स की तरीके से एक चुनावी कंटेंडर के हिसाब से बीजेपी को टक्कर दे पाए, वहां ये 2024 का प्रयास है और वो आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा कि किस तरीके से अगर कुछ फर्क पड़ रहा है ग्राउंड में या नहीं। लेकिन जो बात तय होके आ रही है, राहुल गांधी लगातार ये कह रहे थे कि इंडिया एक डाइवर्स देश है, यहाँ पे अलग अलग परंपराएं हैं, अलग ट्रेडिशंस हैं और ये चीजें, मगर वो हमेशा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते थे, बाइट्स में देते थे। यहाँ जो एक ऑप्टिक्स से अगर देखा जाए तो आप वो केरला से लेकर जो कन्याकुमारी तक वो लगातार आप भारत जोड़ो यात्रा के फोटोज या वीडियोज भी देख ले तो वहां पर आप देख पा रहे हैं कि लोगों का पहनाव कैसा है, लोगों की कल्चर्स किस तरीके से है और वो हर कल्चर्स से जाकर लोगों से मिल रहे हैं, उनको उन्हीं के कल्चर के अंदर घुस रहे हैं। राहुल गांधी एक तरीके से हर देश के जो हर छोटे छोटे जो कॉर्नर्स हैं वहां पर वो घुस रहे हैं, वहां पे लोगों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों की भाषा को कोशिश कर रहे हैं, तो वो खुद अपने को एक उनके लिए भी एक मेरे हिसाब से एक काफी ज्यादा बड़ा लर्निंग प्रोसेस है। लेकिन ये जो ऑप्टिक्स और फोटोज आ रहे हैं उसमें उनकी राजनीति झलक के दिख रही है कि एक तरफ जहां पर और एक मोदी नरेंद्र मोदी और बाकी जो पूरी बीजेपी की जो राजनीति है एक बहुसंख्यकवाद पर डिपेंड करने वाली हिंदुत्व की राजनीति, उससे सीधा सीधा एक कॉन्ट्रास्टिंग इमेज लोगों के मन में जा रहा है। अब कोई अगर बीजेपी वाले माने या नहीं माने लेकिन कांग्रेस वापस पब्लिक कॉन्वर्सेशंस में आ गई है, लोग जो आम आदमी है वो एक तरीके से ये सोचने पे मजबूर हो गया है कि एक तरफ हिंदुत्व की राजनीति है और दूसरी तरफ एक राहुल गांधी जैसे नेता की अब मैसेज है और एक कमिटमेंट किस तरीके से वो दिखा रहे हैं कि जहां पे लोग एक साथ होकर भी अपने डिफरेंसेस के बावजूद भी एक साथ ब्रदरहुड के साथ रह सकते हैं और उससे राजनीति को और इंडिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो दो अब लोगों के पास चॉइस है, ये अलग बात है कि लोग फिर जो हिंदुत्व की राजनीति को चुने, लेकिन कांग्रेस जो अभी तक ऐसा लग रहा था कि एक आइडियोलॉजी विहीन पार्टी है, कोई सॉफ्ट हिंदुत्व हो रहा है, कभी कभी कोई अलग अलग नेता अलग अलग दिशा में बात कर रहे हैं, वो अब धीरे धीरे थोड़ा क्लियर होता हुआ दिख रहा है कि अब कांग्रेस जो है वो गांधी के ही लाइन पे हमेशा चलता है और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की जो वो टीम है लगातार वो नेहरूवियन एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी की जो बात कर रहे हैं उसके बनाम हिंदुत्व की राजनीति अब ये कांग्रेस का एक तरीके से वो क्लियर हो गया है। इस भारत जोड़ो यात्रा की उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है मेरे हिसाब से, ये कॉन्ट्रास्टिंग इमेज देने। अच्छी बात आपने रख दी कि दो महीने का जो निचोड़ है वो ये है, जो सार है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी ने फिर से नए सिरे से अपनी परिभाषा गढ़ी है कि 2022 नहीं बल्कि 2024 की कांग्रेस पार्टी कैसे होगी। 2024 की कांग्रेस पार्टी वो होगी जो भाजपा के एक विचारधारा के विकल्प के तौर पर उभर रही है। सिर्फ वो ये नहीं कह रहे कि हम आपको रोटी कपड़ा मकान बैंक अकाउंट देंगे, वो ये कह रहे हैं कि हम आपको विचारधारा का एक नया मॉडल दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इसके लिए खड़ी होती है, भाजपा आप जानते हैं इसके लिए खड़ी है, आप 10 साल में आप उनकी राजनीति देख चुके हैं, 100 साल में आप आरएसएस को देख चुके हैं, अब आपको क्या चुनना है ये भारत की जनता को देखना है। बेहतरीन तरीके से जो है आपने हमेशा की तरह अपनी बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।
स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।